फ्रेंड्स, मेरी चैनल हिंदी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मम्मी जी गणपति बापा के फेवरेट लड्डू बना रही है, क्योंकि गणपति चतुर्थी आ रही है। तो हमारे गुजरात में ये रीत है कि गणपति चतुर्थी के दिन हम लोग चूरमा के लड्डू गणपति बापा के भोग के लिए बनाते हैं और सारे परिवार बैठ के खाते हैं। तो एकदम ऑथेंटिक देसी रेसिपी है पहले के ज़माने में, और परफेक्ट एकदम बढ़िया लड्डू बन के तैयार होते हैं। और ऐसी देसी रेसिपी भी चाहिए ना तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लेना। यहाँ पे 1 किलो गेहूं का आटा लिया है, तो आटा हमें दरदरा लेना है, बारीक वाला आटा बिल्कुल नहीं चलेगा लड्डू बनाने के लिए। तो आपको दरदरा आटा थोड़ा लेना है। इसके अंदर हम 1 कप तेल का मोयन देंगे, तो तेल डाल के इसको अच्छे से आटे में मिक्स कर देंगे। मिक्स हो जाए उसके बाद हम हल्का गुनगुना पानी लेंगे, और इससे हमें आटा गूंथना है। तो हमें ठंडा पानी नहीं यूज़ करना है आटा गूंथने के लिए, गुनगुना पानी से ही आटा गूंथना है। और आटे को एक साथ मिला के बाइंड नहीं कर देना है, इसी तरह से छुट्टा छुट्टा रखना है, जिससे जो हमारा मुठिया बनेगा ना वो एकदम क्रिस्पी कड़क बनेगा। ऐसे छोटे छोटे हाथ से दबा के मुठिया बना के तैयार कर लेंगे। तो यहाँ पे मैंने तेल ले लिया है फ्राई करने के लिए। तेल जब ही अच्छे से गर्म हो जाए उसके बाद हम एक बैच में जितना समय है ना उतना मुठिया डाल देंगे। और मुठिया को हमें फ्राई कैसे करना है वो बहुत इम्पोर्टेंट। मुठिया को फ्राई करने के टाइम पे गैस की आँच एकदम लो भी नहीं चलेगी और एकदम हाई भी नहीं चलेगी। लो रखोगे तो क्रिस्पी ज़्यादा हो जाएगा, और हाई रखोगे तो अंदर से कच्चा रहेगा। मीडियम फ्लेम के ऊपर हमें मुठिया को गोल्डन ब्राउन से थोड़ा सा ज़्यादा ब्राउन हो जाए ना उतना फ्राई करना है। इससे ज़्यादा फ्राई करोगे तो मुठिया का जो है वो जल जाएगा और आपको लड्डू खाने में टेस्ट थोड़ा सा कड़वा आएगा। तो ये टिप्स भी आपको अच्छे से ध्यान में रखनी है। तो एक बैच का मुठिया हमारा फ्राई होके तैयार है, हम दूसरी बैच डाल देंगे। और तब तक हम जो पहले का फ्राई करा है वो मुठिया साइड में रख देंगे ठंडा होने के लिए। यहाँ पे गुड़ लिया है, देसी गुड़ लिया है। देसी गुड़ के लड्डू बहुत ही अच्छे लगते हैं। तो इस तरह से मेरे पास छोटे छोटे पीस में थे, तो मैंने इस तरह से कपड़े में डाल के ईमानदस्ता से मैंने कूट लिया है। तो आप नाइफ से भी थोड़ा थोड़ा बारीक वाला कट कर सकते हैं, पर मम्मी जी ने बताया कि इस तरह से हम ईमानदस्ते से कूट के बनाएंगे ना तो जब घी में डालेंगे ना तो बहुत जल्दी से इवनली मेल्ट हो जाएगा। तो ये टिप इनकी बहुत ही अच्छी है। तो अभी गुड़ हमारा रेडी है, इसको एक प्लेट में ले लेते हैं। और गुड़ का माप मैं आपको आगे बताती हूँ किस तरह से आपको लेना है। यहाँ पे मुठिया हमारा एक बैच का ठंडा हो गया है, इस तरह से छोटे छोटे टुकड़े में कट कर लेंगे ताकि एकदम अच्छे से ठंडा हो जाए। तो उसके बाद हम मिक्सी जार में ले लेंगे और इसको हमें दरदरा पीसना है। तो इसको पीसना कैसे है ना ये बात भी आपको खास ध्यान में रखनी है। इसको पल्स मोड के ऊपर एकदम दरदरा रहे ना ऐसा ही पीसना है आपको। हो सके तो दोबारा पीस लीजिए, पर फाइन पाउडर नहीं हो जाए इस बात का ध्यान रखना है। और छलनी हमें कौन सी लेनी है, तो गेहूं छलते हैं ना वही हमें बड़े होल वाली छलनी ही इसमें लेनी है। और इसको हल्के हाथ से छानना है। तो मम्मी ने बताया कि इस तरह से हल्के हाथ से छानोगे ना तो जो मुठिया का कड़क कड़क पार्ट नीचे नहीं आ जाएगा छन के, और इस वो लड्डू में जब भी अगर आता है ना तो वो कड़क लगता है, वो अलग से ही दिखता है। तो ये बात का भी ख्याल रखें। और ऊपर जो भी बच्चा है ना वो फिर से मिक्सी जार में डाल के दूसरे बैच के साथ इसको भी हम पल्स मोड पे ग्राइंड कर लेंगे। तो यहाँ पे हमारा मुठिया ग्राइंड होके रेडी है। अभी मम्मी थोड़ा सा रवा इसमें डालती है, तो रवा आटे के अंदर नहीं डालती है। इस तरह से 2 टेबलस्पून घी लिया है और 1 छोटी वाटी भर के रवा लिया है। तो लो फ्लेम के ऊपर गोल्डन ब्राउन हो जाए तब तक हम रवा इस तरह से सेक लेंगे। तो इस तरह से रवा सेक के डालेंगे ना तो लड्डू का टेस्ट बहुत ही अच्छा आएगा, एकदम कंदोई जैसे बनाते हैं ना ऐसा टेस्ट आएगा। रवा सेक गया है तो हमारा जो मुठिया का मिक्सचर है उसके अंदर हम डाल देंगे। और मिक्सचर का इस तरह से 3 पार्ट कर लेंगे। आप चाहे तो कोई बर्तन में भर के भी 3 पार्ट ले सकते हैं, उसी बर्तन का 1 पार्ट हमें गुड़ लेना है। तो ये माप एकदम परफेक्ट है मुठिया बनाने के लिए। और यहाँ पे घी का भी माप हमें देखना है। तो यहाँ 1 किलो आटा था तो हमने 1/2 किलो घी लिया है, और पूरा 1/2 किलो घी गुड़ के अंदर नहीं डाला है, थोड़ा सा 1 चम्मच बचा के रखा है, वो हम बाद में इसका यूज़ करेंगे।
पर एक किलो आटा है ना, तो आधा किलो गुड़ तो जाता ही है। यहाँ पे देसी गाय का घी लिया है, तो वो घी बहुत अच्छा है, पचने में भी बहुत अच्छा है। अभी गैस को लो फ्लेम के ऊपर चालू कर देंगे, फ्लेम एकदम लो ही रखना है। और गुड़ जब ही अच्छे से मेल्ट हो जाए ना, तो फटाफट से इसको मिश्रण के अंदर डाल देना है। गुड़ को ज़्यादा हमें नहीं चलाना है, नहीं तो लड्डू हमारे कड़क हो जाएंगे, तो ये बात का हमें खास ध्यान रखना है। तो मम्मी ने एकदम फटाफट से गुड़ मेल्ट हुआ तब तुरंत ही इसको लड्डू के मिश्रण में, लड्डू बनाने के मिश्रण में डाल दिया। अंदर गुड़ की छोटी सी भी कणी नहीं रह जाए, वो बात का आपको ध्यान रखना है। और इस तरह से मेल्ट करके इसके अंदर डाल दीजिए। अभी हम गरम है तो हाथ नहीं लगा सकते, तो पहले हम चम्मच से इस तरह से मिक्स कर देंगे अच्छे से। तो यहाँ पे इतने मिश्रण से 40 लड्डू बन के तैयार हुए हैं। आप इससे आधा या आधे से आधा माप सेट करके भी ले सकते हैं। अभी प्रॉपरली गुड़ मिक्स हो गया है, अभी हाथ से हम ये सारा मिक्स करेंगे अच्छे से। तो इसको हाथ से मसलना भी बहुत ज़रूरी है। यहाँ पे लड्डू बनाने की कोशिश कर रहे हैं तो एकदम अभी बाइंड नहीं हो रहा है, तो क्या करना है, 4 टेबलस्पून पानी लिया है और 4 टेबलस्पून दूध लिया है, दोनों को गर्म करके ही लिया है, वो इसके अंदर डाल देंगे। आप खाली पानी भी डाल सकते हैं, दूध नहीं डाले तो। जो ज़्यादा दिन आपको लड्डू रखना है तो आप पानी ही डालें, और अगर 2 दिन में ख़त्म हो जाने वाले हैं तो आप दूध डाल सकते हैं। अभी लड्डू बनाकर देखते हैं तो लड्डू एकदम घी में लचपच बन गया है। तो जो हमारा बाकी बचा था ना थोड़ा सा घी, 1 टेबलस्पून जितना, वो भी गर्म करके इसके अंदर डाल दिया है, ताकि लड्डू एकदम अच्छे से घी में लचपच बने और तभी लड्डू अच्छे लगते हैं। अब इन सब को अच्छे से हल्के हाथ से हमें मिक्स कर देना है। आप चाहे तो इसके अंदर काजू बादाम और किशमिश डाल सकते हैं। काजू बादाम को आप घी में फ्राई कर लीजिए और फिर छोटे छोटे टुकड़े करके भी इसके अंदर डाल सकते हैं। अभी आप चाहे तो लड्डू हाथ से भी गोल गोल बना सकते हैं, या इस तरह से मोल्ड में भी डाल के फिर प्रेस करके बना सकते हैं। यहाँ पे खसखस ले लिया है, तो लड्डू के ऊपर खसखस का एक छोटा सा कोट कर दिया है। तो हमारे गणपति बापा के फेवरेट लड्डू बनके तैयार हैं, एकदम परफेक्ट माप है। अगर आपको कुछ भी कन्फ्यूज़न है तो मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और नई कौन सी रेसिपी, देसी रेसिपी मम्मी जी के हाथ की आप खाना चाहते हैं, बनाना सीखना चाहते हैं, आप मुझे कमेंट करके ज़रूर से बताइए। रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर से करिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर से कर लीजिए। Thank you for watching.